بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين डॉक्टर नज़ीर अहमद शयानवाला दरवाज़ा लाहौर के अजीम दरवेश हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि से फैज़ हासिल करते रहे। निसफ सदी तक लाहौर के शहरियों को सच्चाई और मोहब्बत का दर्स देते रहे। ये दर्स मोहब्बत ही तो था जो एक शफीक बाप की तरह डॉक्टर नज़ीर अहमद को मजबूर करता कि सुबह सवेरे न मुकम्मल शेव की हालत में निकर पहने रेसिंग साइकिल पर सवार मल रोड जा पहुँचते और हुकूमत के खिलाफ अपने कॉलेज के तलबा के एहतजाजी जुलूस को वापस कॉलेज में ले आते कि कोई तलब इलम पुलिस के लट्टी या गोली से जख्मी ना हो जाए। इन्होंने कभी पुलिस को कॉलेज में दाखिल होने का मौका नहीं दिया और हमेशा इंतहाई बहरान के मौके पर आला हलाकी जुरत और फरासत का सबूत दिया। वो कभी समझौता ना करते और फिरौन के सामने भी अपने किरदार का असाए कलीमी लेकर खड़े हो जाते। इन्होंने एक गैर मुस्तहक तलब इलम को जनरल अयूब के मार्शला दौर के सहगीर गवर्नर मलक अमीर मोहम्मद खान की सिफारिश पर भी दाखला देने से इनकार कर दिया और इसकी सजा की पदाश में तबादला गवारा कर लिया। खालिज के तलबा ने हमारा बाप वापस लाओ के नारे लगाया और गवर्नर का हुक्म मंसूख हुआ और दरवेश प्रिंसिपल को तलबा अपने कंधों पर बैठाकर खुशी से नाचते हुए कॉलेज वापस लाए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की पूरी तारीख तलबा की प्रिंसिपल के साथ ऐसी मोहब्बत और अकीदत की मिसाल पेश करने से कासिर है। जिस वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद प्रिंसिपल हुआ करते थे, कॉलेज से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। सब दोस्तों से गुजारिश है, अच्छे अच्छे वाकियात हकियात के लिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।